देना ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रुमा खान। जैसे कि आप सबको मालूम है ये मेरा चैनल है कुक विद रुमा खान, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल बनाने की रेसिपी लेकर, मतलब बारिश का मौसम है और दिल होता है ना, अब कौन गैस जलाए, कौन कुछ बनाए, क्या करे, तो आपको एकदम मज़ेदार चटपटी सी चाट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, और एकदम जो कि फटाफट बन जाती है। ये लेस का पैकेट लिया है मैंने, कितने रुपए का लेस का पैकेट है ये? 10 रुपए। तो मतलब आप 10-20 रुपए में चाट बना के रेडी कर सकते हैं। अब इसे हम खोल लेंगे और जो हमारा लेस है उसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। आपका दिल हो रहा है चटपटा सा कुछ खाने का, तो आपके लिए एकदम सिंपल और आसान सी रेसिपी लेकर आएंगे। और ये हमारे कुरकुरे हैं चटपटे से, इनको भी इसमें मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। अब ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा ले लेंगे। मैं यहाँ पे 2 कुरकुरे डाल दूँगी इसमें, इस तरीके से 2 कुरकुरे इसमें ऐड कर देंगे। अब ये हमारे कुरकुरे चले गए, लेस चले गए। अब इसमें मैं कांदा डाल दूँगी बारीक कटा हुआ। एकदम फटाफट से बन के ये हमारी चटपटी सी चाट तैयार होती है। टमाटर डाल देंगे इसमें, और फिर इसमें हम डालेंगे ककड़ी। ककड़ी है तो आप डालें, नहीं है तो खाली कांदा टमाटर डाल दें। अब ये सब चीज़ें इसमें चली गई। अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस, एकदम मस्त चटपटा बनेगा। और जाएगा इसमें चाट मसाला थोड़ा, नमक और मिर्ची तो डालना नहीं है क्योंकि ये कुरकुरे तो खुद ही चटपटे से होते हैं। अब इसमें मैंने चाट मसाला डाल दी। फिर इसमें थोड़ी सी हम यहाँ पे सिम ले लेंगे, जो आलू भुजिया बोलते हैं ना वो ले लेंगे। इसमें अभी मैंने थोड़ी डाली हूँ, बाद में ऊपर से और डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 चम्मच लेके मिक्स करेंगे या हाथ से मिक्स करेंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे हाथ नहीं ख़राब करूँगी, चम्मच से ही मिक्स करूँगी। हो गया ना, आपको भी लग रहा होगा ना क्या आसान सी आंटी ने रेसिपी बताया है, मस्त एकदम तीखा तीखा चटपटा सा खाने को। हाँ, इसमें हमारी ककड़ी कांदा सब चला गया और ये हमारी चाट बन के रेडी है। अब इसे हम एक प्लेट में आपको सर्व करके दिखाते हैं। बन गया ना हमारा चटपटा सा चाट, रेडीमेड चाट, मतलब इसमें कुछ ना बनाना है ना पकाना है। अब इसे हम सर्व करते हैं। भाजी काटनी पड़ेगी मगर। हाँ, क्या करने का है? भाजी काटनी पड़ेगी ना मगर। भाजी अब इतनी भी काली अच्छी नहीं लगे, भाजी काटनी पड़ेगी। उसमें टमाटर और कांदा ही तो गया है, ककड़ी है और क्या है, आप लोग काट सकते हैं। हाँ, चॉपर में भी काट सकते हैं। अब इतनी काली मत बताओ, हमने इतनी आसान रेसिपी बनाई आप लोगों के लिए, आप लोग एकदम काली बता रहे हैं। ऊपर से सेव डाल दो। अब इसमें थोड़ी सी, हाँ ऊपर से सेव डाल दो। ये हमारी ये हो गई, ये तैयार हो गया हमारा मस्त चाट रेसिपी बन के रेडी है। अब इसे आप खा के भी देखें। अब इसे हम आप लोगों को खा के भी बताते हैं। ये देखिए, ये हमारी मस्त रगड़ा चाट, चना चाट आप तो बहुत खाएंगे, ये कुरकुरे और वेफर चाट खाएंगे। कहते हैं अभी बारिश में बच्चे ऐसे भी चटपटा कुछ मांगते हैं। आप कुछ नहीं भी बना रहे तो इसे आप बनाएं और खाएं। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें, ना मिर्ची की ना नमक डालने की। आपकी मिर्ची भी बच रही है, आपका नमक भी बच रहा है, सिर्फ चाट मसाला डाल दें आप बस। बहुत अच्छी है, आप लोग भी ट्राई करें। मैं तो खा रही हूँ, आप लोग भी बना के खाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं खाते खाते बोल रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो को वॉच टाइम ज़रा बढ़ाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वॉच टाइम माइनस हो रहा है। माशाल्लाह इतने सब्सक्राइबर 1000 हैं, तो 500 लोग डेली अगर देखें
तो व्यूज अच्छे बन जाए मेरे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़रा मेरे वॉच टाइम पे ज़रा फोकस करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।